हाय गाइस, तो आप दिख रहे हैं लेट्स गो हेल्दी। आज आप लोगों से शेयर करूंगी मेरे क्लाइंट के वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन, जिनको बहुत ही हैबिट थी रोटी खाने की। तो बेसिकली ये डाइट प्लान उन सभी के लिए है जो रोटी की हेल्प से वेट लॉस करना चाहते हैं। एंड मेरी इस क्लाइंट ने 7 kg लूज किया 2 weeks में बहुत ही इजिली विद द हेल्प ऑफ रोटी। उन्होंने ये रोटीज की रेसिपीज एंजॉय की थी अपनी वेट लॉस जर्नी में, एंड सो कैन यू। अगर आपको भी मुझसे पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड डाइट प्लान क्रिएट करवाना है वेट लॉस के लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं adishashina@gmail.com पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस दी गए नंबर पे, और हम स्टार्ट करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। तो आइए देखते हैं कि कैसे मेरे इस क्लाइंट ने 7 kg लूज किया 2 weeks में, और कौन सी रोटी की रेसिपीज उन्होंने एंजॉय की अपने वेट लॉस जर्नी में। स्टार्ट करते हैं हमारे अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक से। तो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के लिए कंज्यूम किया था सिंपल अजवाइन और जीरे का पानी। ये बहुत ही एसेंशियल है उन सभी के लिए जो पोस्टमार्टम वेट लॉस अचीव करना चाहते हैं, या फिर जिनको बहुत ही वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है। तो ये वाटर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहता है वेट लॉस के लिए और साथ में फैट लॉस के लिए भी। तो आप ले सकते हैं अजवाइन जीरे का पानी। सिंपल आपको करना क्या है कि 1 teaspoon अजवाइन, 1 teaspoon जीरे को आपको एटलीस्ट 1.5 cup पानी में बॉईल कर लेना है, और इसको आपने सिमर करने देना है 2 minutes के लिए। उसके बाद आप इसको कंज्यूम कर लीजिए सिर्फ एम्प्टी स्टमक। उसके बाद उन्होंने अपने ब्रेकफास्ट ऑप्शंस के लिए, अगेन वो रोटी के बहुत ही लवर थे और वो तीनों टाइम रोटी खाना पसंद करते थे, तो उन्होंने अपनी रोटी रेसिपी जो चूज की अपने ब्रेकफास्ट के लिए वो थी मिस्सी रोटी की रेसिपी। और यहाँ मैं बना रही हूँ मिस्सी रोटी की रेसिपी। तो यहाँ मैंने लिया है 2 चम्मच ओट्स का आटा। आप कोई भी मल्टीग्रेन फ्लावर यूज कर सकते हैं। साथ में 1 चम्मच बेसन यूज करूंगी, और साथ में 1 चम्मच जो है वो नॉर्मल व्हीट फ्लावर यानी कि गेहूं का आटा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चॉप जिंजर और ग्रीन चिलीज। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ बहुत सारी मेथी, ये फ्रेशली चॉप मेथी है। साथ में बहुत सारा धनिया, वो भी फ्रेशली चॉप्ड है। थोड़ा सा चॉप्ड अनियन आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। साथ में हम इसमें डालेंगे अपने सारे स्पाइसेस, जैसे कि हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, मिर्च, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें। और पानी की हेल्प से इसको हम नीड कर लेंगे यानी कि गूंद लेंगे। और इसके बाद हम इसकी चपाती प्रिपेयर करेंगे। और ये मिस्सी रोटी है, हम इसको फ्राई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप जब भी रोटी या परांठा प्रिपेयर करें तो इसको कभी भी तवे पे फ्राई मत कीजिए, हमेशा इसको प्लेट में डाल के ही 1 चम्मच देसी घी ऊपर से लगाएं। ये एक हेल्दी वेट लॉस ओरिएंटेड और सुपर यमी रेसिपी है आपके वेट लॉस के लिए। साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं ग्रीन चटनी के साथ, या फिर आप इसको रायते के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। आपका टेस्टी डिलीशियस रोटी लवर्स के लिए ब्रेकफास्ट रेडी है। उसके बाद उन्होंने मिड मॉर्निंग स्नैक में यानी कि अपने ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में यूजुअली वो एक फ्रूट लेते थे, तो आप कोई भी फ्रूट चूज कर सकते हैं जो भी सीजन में आपके पास अवेलेबल हो। ऑरेंज, एप्पल, पपाया, पाइनएप्पल, बेरीज, स्ट्रॉबेरीज, कुछ भी आपके पास अवेलेबल हो, तो वो आप 1 cup फ्रूट एंजॉय कर सकते हैं आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। अगर आपके पास फ्रूट नहीं है या आप नहीं ले सकते हैं, तो आप सिंपली 1 cup ग्रीन टी का एंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप ले सकते हैं इसमें लेमन वाटर। आपकी चॉइस है, आप कोई भी इसमें से चूज कर सकते हैं आपके मिड मॉर्निंग स्नैक के लिए। चलते हैं हमारे लंच ऑप्शन की तरफ। अब लंच के लिए उन्होंने अगेन रोटी का ऑप्शन चूज किया, बट अगेन सुपर हेल्दी। बट लंच से पहले हमने 30 मिनट्स पहले क्या लेना है, एप्पल साइडर विनेगर ल्यूकॉम वाटर में। आपको करना क्या है कि सिंपली आपको 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर को 1 glass गर्म पानी में मिक्स कर लेना है और इसको कंज्यूम कर लेना है आपके लंच से पहले। ये बेसिकली आपके बॉडी में जाके आपके ब्लड शुगर को स्पाइक होने बिल्कुल भी नहीं देता है। जिनको भी पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो उनको ये ट्रिक डेफिनेटली ट्राई आउट करनी चाहिए आपके वेट लॉस जर्नी के लिए। साथ में इससे हमारा मेटाबॉलिज्म भी बहुत ही बूस्ट अप रहता है। चलते हैं, हम देखते हैं कि हमने अपने लंच ऑप्शंस के लिए उनको क्या क्या रोटी दी थी। अब लंच के लिए मैंने उनको दी थी ओट्स की रोटी, बट बीच में हम डालेंगे अपना फेवरेट, या तो बीटरूट या स्पिनच, आप कुछ भी इसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने ग्रेटेड बीटरूट लिया था, साथ में मैंने इसमें डाला अपना ओट्स का आटा। अब ओट्स का आटा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं जो कि ग्लूटेन फ्री है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप इसको ऑनलाइन बाय कर सकते हैं बहुत ही इजीली। साथ में हम इसमें नीड कर लेंगे इस आटे को प्रॉपरली, और इसकी चपाती प्रिपेयर कर लेंगे जो कि बहुत ही इजी है प्रिपेयर करने के लिए। आप इसमें पालक की प्यूरी भी डाल सकते हैं या फिर पंपकिन की प्यूरी भी डाल सकते हैं, और अपना हेल्थ बेनिफिट जो है रोटी के साथ इंक्रीज कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस हैं आपके वेट लॉस रोटी के लिए। साथ में आप ले सकते हैं कोई भी सीजनल सब्जी, जैसे कि मैंने यहाँ पे पनीर मखनी लिया है। आप कोई भी सीजनल सब्जी जैसे कि कोई भी ग्रीन वेजिटेबल भी एंजॉय कर सकते हैं। साथ में आप दही लीजिए, साथ में आप सैलेड लीजिए, और आपका टेस्टी डिलीशियस न्यूट्रिशियस लंच रेडी है। आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और गिल्ट फ्री होकर इसको कंज्यूम कर सकते हैं। चलते हैं हमारे मिड इवनिंग स्नैक की तरफ। अब मिड इवनिंग स्नैक में हम ले सकते हैं 1 cup ग्रीन टी का, या फिर 1 cup डिटॉक्स माचा टी का, या फिर आप ले सकते हैं 1 cup चाय या कॉफी का अगर आपको हैबिट है तो। अगर आपको चाय या कॉफी की हैबिट है तो उसको स्किप मत कीजिए, आप नॉर्मली अपनी चाय कॉफी ले सकते हैं, और हम किसी भी टाइप का उसमें शुगर बिल्कुल भी नहीं ऐड करेंगे। साथ में आप लेंगे 30 grams ऑफ रोस्टेड मखानास, या फिर आप ले सकते हैं 30 grams ऑफ रोस्टेड पीनट्स। आपकी चॉइस है, आप कुछ भी इसमें से एज अ स्नैक के तौर पे अपना कंज्यूम कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे डिनर ऑप्शंस की तरफ। अब डिनर दे यूज टू ऑलवेज मेक श्योर कि वो अपना डिनर जो है वो 7 बजे से पहले पहले कर रहे हैं। अगर आपको रोटी कंज्यूम करनी है आपके डिनर के लिए भी, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप अपना डिनर जो है वो 7 o'clock से पहले पहले अचीव कर रहे हैं, ताकि हमारे पास बहुत सारा टाइम हो उसको डाइजेस्ट करने के लिए और वेट लॉस को अपना अचीव करने के लिए। तो चलते हैं हमारे डिनर ऑप्शंस की तरफ। डिनर के लिए मैं आपको 2 options दूंगी जो उन्होंने चूज किए। जब भी उनको रोटी कंज्यूम करनी होती डिनर के लिए, तो वो लेते थे बिकॉज सीजनली बहुत
ही फ्रेशली आजकल आ रहा है, तो वो लेते थे सावर मक्की की रोटी। आप मक्की की रोटी को किसी भी और सब्जी के साथ भी सीजनली एंजॉय कर सकते हैं और साथ में ले सकते हैं दही और सैलेड। यहाँ मैंने लिया है मक्की का आटा, साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा ओट्स का आटा ऐड किया है बिकॉज ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाती है फिर चपाती। तो मैंने यहाँ पे इसको नीड कर लिया है प्रॉपर पानी के साथ और इसको हम पानी की हेल्प से ही नीड कर लेंगे, तो ये बहुत ही इजीली बन जाती है, सुपर क्रिस्पी एंड सुपर यमी भी होती है। तो आप ले सकते हैं आपके दो मक्की की रोटी, साथ में आप ले सकते हैं गुडफुल बाउल ऑफ सरसों का साग, उसके ऊपर आप डाल सकते हैं हल्का सा देसी घी टू गिव यू गुड फ्लेवर एंड ऑल्सो गिव यू गुड न्यूट्रिशनल बेनिफिट ऑल्सो, और साथ में आप लेंगे बहुत सारा सैलेड और कर्ल। बट मेक श्योर कि आप अपना डिनर जो है वो 7 बजे से पहले पहले अचीव कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन उन सभी के लिए है जिनको डिनर में रोटी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो वो ले सकते हैं एक गुडफुल बाउल ऑफ दाल। आप कोई भी दाल, मूंग दाल, तुअर दाल, उड़द की दाल, कुछ भी दाल इसमें चूज कर सकते हैं और बहुत सारा साथ में सैलेड ले सकते हैं और बहुत सारा दही अपने मील को फुलर बनाने के लिए। ये बहुत ही अच्छी हेल्दी वेट लॉस रेसिपीज हैं आपके वेट लॉस को अचीवेबल और बहुत ही इजी बनाने के लिए। तो आप रोटी लवर हैं तो ये डेफिनेटली सारी रोटी की रेसिपीज एंजॉय कर सकते हैं। अपने बेड टाइम ड्रिंक के लिए हम लेंगे 1 कप कैमोमाइल टी का। अब बेसिकली मेरे सारे क्लाइंट्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट अचीव करते हैं कैमोमाइल टी की हेल्प से, तो आप ले सकते हैं एक गुडफुल कप ऑफ कैमोमाइल टी जो कि आपके पूरे डे के स्ट्रेस को रिलीव करता है एंड प्लस बहुत ही अच्छा आपको मेटाबॉलिज्म बूस्टिंग प्रॉपर्टी से भी बहुत ही हेल्पफुल रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप ये ले सकते हैं अगर आपको लेना है, तो नहीं तो आप स्किप करके सिंपल अजवाइन या जीरे का पानी भी ले सकते हैं। बट प्लीज मेक श्योर कि इस डाइट प्लान के साथ आप कम से कम 2 से 3 लीटर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पानी जरूर कंज्यूम कर रहे हैं विदाउट एनी फेल, जो कि बॉडी में हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है एंड बहुत ही अच्छे आपको वेट लॉस रिजल्ट्स भी मिलते हैं बिकॉज हमारी बॉडी में से सारे बैड टॉक्सिन्स जो है वो रिमूव होते हैं एंड प्लस हमारा जो क्लोन है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो भी क्लियर होता है। और अगर आपको अपना पर्सनलाइज या कस्टमाइज डाइट प्लान क्रिएट करवाना है वेट लॉस के लिए, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं additionsheena@gmail.com पे, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नीचे दिए गए नंबर पे और हम स्टार्ट करेंगे वेट लॉस जर्नी मेरे साथ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन कमेंट भी लो। अगर आपको कोई भी क्वेरी है किसी भी टाइप के, आई एम मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू विद। आप मेरे चैनल लेट्स गो हेल्दी को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड हिट द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड फॉर ऑल द अपकमिंग वेट लॉस टिप्स एंड ट्रिक्स, डाइट प्लान्स, हाउ माय क्लाइंट्स रिड्यूस वेट एवरी सिंगल डे एंड व्हाट आई ईट इन अ डे व्लॉग के लिए। और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो आउट कर सकते हैं, ये मेरा हैंडल है, और आप बहुत सारी रेसिपीज भी एंजॉय कर सकते हैं जो कि मेरे व्लॉग्स में है। नेक्स्ट वन टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट ऑलवेज।